मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य के खिलाड़ियों को एवं उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य के खिलाड़ियों को एवं उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खिलाड़ियों को अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके भविष्य की चिंता करेगी। राज्य में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है और उन्हें सम्मान राशि दी है। खेल गांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 19 खेलों के 222 खिलाड़ियों के बीच 44,62,000 रुपये और 52 खेल प्रशिक्षकों के बीच 48,30,000 रुपये की सम्मान राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए हैं, जिनमें हमारे जमशेदपुर परसोडी साई गुरुकुल इंस्टीट्यूट के योग प्रशिक्षक श्रीमती प्रज्ञा पारमिता चक्रवर्ती को 60,000 नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चले भी आगे सहयोग के लिए दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों के बीच सम्मान राशि वितरण समारोह का ये विधिवत शुभारंभ जोरदार कार्यक्रम आप सबकी तरफ से। कहते भी हैं कि जब कोशिश ही हद से गुजर जाती है, मंजिल खुद ब खुद पास चली आती है और लगातार कोशिशों का ये परिणाम कि हमारा झारखंड राज्य आज खेल जगत में एक टिमटिमाता तारे की तरह चमचमा रहा है। हमारे खिलाड़ियों की बदौलत, हमारे प्रशिक्षकों की बदौलत बहुत बहुत धन्यवाद दीप प्रज्वलित कर आज के इस सम्मान राशि वितरण समारोह के विधिवत शुभारंभ के ही माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदया एवं मंचासी हमारे सभी विशिष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव वंदना डाडेल जी, विनय चौबे जी यहाँ उपस्थित, हमारे आदरणीय SSP महोदय रांची के DC आदरणीय राहुल जी यहाँ उपस्थित, नगर आयुक्त आदरणीय अमित जी, आदरणीय मधुकांत पाठक जी, संजय जी और जितने भी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे मुश्ताक आलम जी, सुनील श्रीवास्तव जी। और अब वो समय आ गया है जिसके लिए हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो महत्वपूर्ण पल, वो ऐतिहासिक पल, वो गौरवपूर्ण पल जब आज हमारे झारखंड राज्य के खेल के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मान प्रदान किया जाएगा सम्मान राशि के साथ। उससे पहले आपको बता दें कि आज 222 खिलाड़ियों को 19 खेलों के लिए ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है, 52 प्रशिक्षकों को 15 खेलों के लिए ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। खिलाड़ियों के बीच 4,46,20,000 और प्रशिक्षकों के बीच 40,30,000 यानी कुल 4,94,50,000 राशि पुरस्कार राशि यानी सम्मान राशि के रूप में आज इस मंच से प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं सारा आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से इस गौरवपूर्ण पल में हमारे खेल जगत के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का सम्मान करें महोदय। और ये पहला नाम मैं लेने जा रही हूँ आपकी जोरदार तालियों के बीच, श्रीमती रूपा रानी तिर्की, लॉन्ग बॉल की खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह इन्हें सम्मान राष्ट्र प्रदान करने के लिए, साथ में माननीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदया एवं मंचा सिंह हमारे सभी श्रीमती रूपा रानी तिर्की और श्रीमती लवली चौबे। लॉन्ग बॉल की खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में मिश्रित कोर्ट टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। जा रहा है।
कांस्य पदक प्राप्त किया और इनके बाद तीरंदाजी टीम में अंडर लाइन में नेशनल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले सुश्री अनुष्का तिवारी सुश्री श्रेया अंडर लाइन मुख्यमंत्री जी।
ये सम्मान राशि 6 लाख रुपए की इनको प्रदान करेगी। तालियां हो जोरदार। 6 लाख रुपए के साथ ये सम्मान प्रदान करेंगे। सर एक बार सामने सम्मान राशि प्रदान कर साथ में माननीय विभागीय मंत्री महोदय, ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये गौरवपूर्ण पल है हम सबके लिए। पुरस्कार राशि प्रदान कर उनको शुभकामनाएं देते हुए माननीय मुख्यमंत्री कठिन तापन पर अधिक था विश्वास, अड़चने आए थे पर हौसला ना हुआ पस, धीरे धीरे बिना रुके परिषद खेलगांव के इस इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों और उनके कोचेस के बीच में सम्मान राशि वितरण समारोह में हमारे साथ उपस्थित विभागीय मंत्री, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, विनय चौबे जी, विभागीय सचिव मनोज जी, डायरेक्टर गौरव जी, उन सभी खेल पदाधिकारीगण और विशेषकर आज इस स्टेडियम के अंदर उपस्थित खेल जगत से जुड़े हुए सभी महानुभावगण, हमारे खिलाड़ी बच्चों, उनके कोचेस, आप सबका आज के इस सम्मान समारोह में मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और आज जिस तरीके से ये स्टेडियम सजा हुआ है और जिस तरीके से खिलाड़ियों के और उनके कोचेस की यहाँ एक समूह और अभिभाव्य समूह मौजूद है और जिस उद्देश्य के लिए परिसर और ये स्टेडियम बना हुआ है, आज ये उपस्थिति इस परिसर और स्टेडियम का वास्तविक शोभा बढ़ा। कहीं पर लेकिन हम उनमें से भी बेहतर की सूची में एक नंबर पर आए। आज इस परिसर को जो खुशनुमा वातावरण दिख रहा हमारी परिकल्पना है,
ये खुशनुमा माहौल और ये खेल गांव के अंदर के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, इस राज्य में हुनर की कमी की सबसे मजबूती से पहल करने की आवश्यकता, और इसी कड़ी को हमने पंचायत से लेकर प्रखंड, प्रखंड से लेकर जिला, जिला से लेकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कहीं ना कहीं हम लोगों ने चुनने का और पहुंचने का भरपूर प्रयास किया है। जो गाड़ी बिल्कुल ढंग से गई थी, हमारे खिलाड़ियों को समझ नहीं आता था कि खेलते हुए हमारा भविष्य क्या। आप चिंता ना करें, आप खेल की दिशा में आगे बढ़े, आपकी भविष्य सरकार चिंता करे, आपका पूरा जीवन कैसे सुरक्षित हो, इसकी पूरी गारंटी के साथ हम आगे आप बढ़ाने का काम करें। कई चीजें और पावर या सब खिलाड़ी नहीं बल्कि जो हमारे कोचेस हैं उनके लिए हम उनको भी नहीं चुनते। बिना कोच का खिलाड़ी आगे भी नहीं बढ़ सकता, इसलिए खिलाड़ियों के लिए कोचेस का भी बहुत बड़ा भूमिका है। अभी तो ये हम लोगों ने शुरुआत किया, अगर सब कुछ सही अब तक तो ठीक ठाक और बेहतर तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। समय अनुकूल, स्थिति परिस्थिति सब ठीक रहा, मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि अब देश का प्रतिनिधित्व कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे ओलंपिक हो, चाहे नेशनल गेम हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, उन सभी खेलों में हमारे झारखंड के नौजवान निश्चित रूप से दिखाई अंदर में जाइए। सुरक्षा का भी जिम्मेवारी उनके ऊपर, जो भी घटना घटना है, जो लोग इनसे प्रभावित हुए उनके प्रति मैं अपनी सहायताएं प्रकट करता हूँ, और घटनाएं ना हो इसके लिए क्या उपाय किए जा सके उस पर विचार हो, मैं विचार करना चाहूँ। ठीक ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।